भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में खेले कोई विवाद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला जो कि पर्थ में आज खेला जा रहा है, उस मैच में भारतीय टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करने उतरी। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन केएल राहुल एक छोर पर खड़े रहे तो भारतीय फैंस को इसको लेकर थोड़ी सी राहत थी। हालांकि उस वक्त टीम इंडिया और उसके चाहने वाले को बड़ा झटका लगा जब केएल राहुल को थर्ड अंपायर ने विवादित रूप से आउट करार दिया, जबकि कमेंटेटर इससे हैरान थे। दूसरी ओर केएल राहुल को भी इस फैसले पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल यह सब हुआ मिचेल स्टार्क की ओर से फेंके गए 23वें ओवर में। मिचेल स्टार्क की गेंद केएल राहुल के बगल से गुजरी तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने जबरदस्त अपील की। फील्ड अंपायर ने नॉट आउट कहा तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने DRS लिया। इस पर थर्ड अंपायर ने रिव्यू देखा और केएल राहुल के खिलाफ फैसला सुनाया। इस डिसीजन से केएल राहुल काफी ज्यादा निराश दिखे। साफ साफ लग रहा था कि गेंद बल्ले को नहीं बल्कि बैट जो है पैड को टच हुआ है, जिसके चलते राहुल थोड़ा सा निराश थे और भारतीय टीम को एक बार फिर से कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। बाकी आपको क्या लगता है, केएल राहुल आउट थे या नॉट आउट, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।